नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है जिला अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी द्वारा रायसेन अस्पताल को कई सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को जिला स्तर पर पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। उधर एक बड़े अखबार ने खबर प्रकाशित की है कि जिला अस्पताल में पदस्थ एकमात्र प्रभारी सर्जन डॉक्टर दिनेश खत्री को 17 अगस्त 2020 को प्रभारी CMHO बना दिया गया। तभी से जिला अस्पताल में एक भी सर्जन नहीं बचा। डॉक्टर खत्री के दूसरे कामों में व्यस्तता के चलते हुए जिला अस्पताल में कभी कभार ही समय दे पाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि जिला अस्पताल से हर्निया, फिस्टुला, एप्रोडिक्स, एब्डोमिनल सर्जरी, ब्लैडर स्टोन के ऑपरेशन प्रभावित हो रहे हैं। अखबार के मुताबिक बीते 8 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो ऑपरेशन जिला अस्पताल में हो सकते थे। ऐसे 153 मरीजों का इलाज के लिए बाहर रेफर करना पड़ा। इनमें वर्ष 2022 अक्टूबर में 16, नवंबर में 22, दिसंबर में 29 रेफर किए गए। इस तरह की स्थिति 2023 में बनी हुई है। जनवरी में 28, फरवरी में 19, मार्च में 17, अप्रैल में 22 मरीजों के इलाज के लिए जिला अस्पताल से रेफर किया गया। अखबार ने कहा है कि जिला अस्पताल में क्लास 2 डॉक्टर को ही बना दिया गया CMHO, जबकि अस्पताल में विशेषज्ञ अभी 3 डॉक्टर और हैं जिन्हें नियमों के मुताबिक CMHO बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अखबार के मुताबिक डॉक्टर खत्री द्वारा किए गए नसबंदी के 29 ऑपरेशन फेल हुए हैं, 25 में कॉम्प्लिकेशन और 1 में महिला की मौत हो चुकी है। इस कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक दास ने डॉक्टर खत्री के LTT ऑपरेशन करने पर रोक लगा दी है। इन सब आरोपों को लेकर हम डॉक्टर खत्री से मिले और अन्य डॉक्टरों से भी चर्चा की। अन्य डॉक्टर ने क्या कहा और डॉक्टर खत्री ने क्या कहा, हमारे दर्शक खुद सुन लें। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं डॉक्टर दिनेश खत्री। क्या हैं आप? अभी तो मैं CMHO हूं। सर, आप पे अभी एक अखबार में आप पे आरोप लगा है कि आप क्लास 2 अधिकारी हैं, लेकिन आप CMHO बन गए और आपसे जो वरिष्ठ थे वो वहीं रह गए, ऐसा कुछ क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं प्रथम श्रेणी अधिकारी हूँ। 1600 का स्केल मेरा 2014 से है। जो इल्जाम लगाए गए हैं गलत है। शासन और प्रशासन के द्वारा हमारे पदों के आदेश किए जाते हैं और उन्होंने कुछ देखते हुए आदेश किए हुए हमारे। कहीं आपके मंत्री से अच्छा संबंध नहीं, इसलिए आदेश जारी तो नहीं हुए? हम लोग किसी राजनीतिक कार्य नहीं करते, हम सरकार के नुमाइंदे हैं। शासन हमसे जैसा कार्य करने के लिए बोलती है। सूत्र बताते हैं कि आपसे भी 2 सीनियर डॉक्टर थे जिनको दरकिनार करके आपको पदोन्नत किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से चिकित्सक हैं जो सीनियर हैं, वो अपना जो उनको कार्य दिया जाता है सरकार के द्वारा वो करते हैं। मुझे सरकार ने जो काम दिया वो कर रहा हूँ। अभी बात रायसेन की जा रही है, आपसे सीनियर जो डॉक्टर थे उनको पदोन्नत करके आपको पदोन्नत क्यों किया गया? नहीं, मैं तो प्रभारी हूँ, मुझे पदोन्नत नहीं किया गया। मैं सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मुझे प्रभार दिया गया शासन ने, तो मैं वो काम कर रहा हूँ। अभी आपने बताया कि आप सर्जिकल विशेषज्ञ हैं, अब आप CMHO का प्रभार भी आपके ऊपर है, तो आपका कार्य अस्पताल में प्रभावित हो रहा है या नहीं? कहीं शुरुआत में जब मैंने 3 साल पहले लिया तब कार्य प्रभावित होने की मुझे क्षमता लगती थी कि कहीं कहीं प्रभावित हो रहा है, परंतु आपने रायसेन के और मीडिया के माध्यम से भी ये भी पढ़ा है कि मेरे द्वारा यहाँ पर सारा सर्जरी का काम किया जाता है अपने कार्य के अलावा। वर्तमान में शासन के द्वारा हमारे यहाँ 2 RSO रेजिडेंशियल जो सर्जिकल रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, PG कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पदस्थ हैं। वो मुझे सुबह और शाम रिपोर्ट करते हैं, यदि मुझे आवश्यकता होती है तो मैं ऑपरेट भी करता हूँ ड्यूटी में जाकर, और तत्काल अगर आवश्यकता होती है मैं फील्ड से लौट के भी आपकी करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ। आपके कार्यकाल में ही पिछले 7 माह में 153 मरीजों को रेफर किया गया है, ये स्थिति क्यों बनी जब आपका अस्पताल अच्छा हो चुका है? इसके द्वारा दी गई कि 153 ये जानकारी भी अखबार में छपी हुई है। मैं अखबार की जानकारी ऑथेंटिक तो नहीं मानता हूँ। हाँ, कुछ जानकारी ठीक हो सकती है, परंतु मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि पेशेंट रेफर हमारे अस्पताल से होते हैं और अस्पताल से रेफर करने की जिम्मेदारी भी हमारे RSO की, हमारे मेडिकल ऑफिसर की है। उनके द्वारा मुझे नहीं बताया गया कि यहाँ से रेफर होता है, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट जो ऑपरेटिव हो, जिसको
रेफर नहीं करना चाहिए और मैं करता भी नहीं। अगर वो हमारे यहाँ लायक नहीं है, हमारे यहाँ से उसको कोई दिक्कत है कि जो यहाँ ठीक नहीं हो सकता, उसको निश्चित रेफर किया जाता है और रेफर करते भी है। उसमें आपका वर्जन लिखा है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम रेफर ना करें, पर आप करें मुझे पता नहीं है। रहती है कोई पेशेंट रेफर ना हो जी, फिर भी इतने सारे पेशेंट रेफर हो रहे हैं। ये किसने कहा कि रेफर हो रहे हैं? मैंने आपको फिर बताया अभी कि अखबार में ही छपा है। अखबार में तो आप कुछ भी छाप सकते हैं। अच्छा, 11 चिकित्सक अनाधिकृत रूप से गायब हैं अस्पताल से, इसके बारे में कुछ कहेंगे? ये जानकारी सिविल सर्जन के द्वारा भी बताई गई थी मुझे कि 11 चिकित्सक अनाधिकृत रूप से, उसके हम शासन को हमने जानकारी भेज दी है। उन्होंने कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण वो अनुपस्थित, उनके पारिवारिक कारण हो सकता है या दूसरा कोई कारण हो सकता है। उनको कोई नोटिस नहीं भेजा आपने? नहीं, जो जहाँ उनकी पदस्थापना होती है वहाँ के संस्था प्रभारी के द्वारा उनको नोटिस दिए गए और बराबर नोटिस जाते हैं, शासन को उसकी सूचना है। इतने साल हो गए, इतने सारे डॉक्टर गायब हैं, तो अस्पताल की स्थिति खराब नहीं होगी? शासन इस बारे में बहुत गंभीर है, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हमारे अस्पतालों का संचालन सुचारू रूप से किया जाए। हम लोग भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, हमारे सभी चिकित्सक समय पर काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ पारिवारिक परेशानियां भी होती हैं, तो वो समय पर शाम के टाइम अपने परिवार को भी टाइम देते हैं, लेकिन अस्पताल समय में पूरा टाइम देते हैं। आप पे आरोप है कि आपने, आपके द्वारा किए गए 29 ऑपरेशन फेल हुए हैं, 25 में कॉम्प्लिकेशन आया है और एक महिला की मौत हुई है। सर्जन के ऊपर आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन ये सच है कि पिछले 5-6 साल से मैं लगभग LTT करता हूँ। हमारे जिले में 5,000-6,000 LTT होती है प्रतिवर्ष। ये जो डाटा है ना, ये यूनाइटेड स्टेट का है, गूगल पे देखिए आपसे। प्रत्येक 10,000 में लगभग 1,000 की जो पॉपुलेशन होती है उसमें फेलियर रेट होती है, प्रोसेस होते हैं 1,000, उसमें से 18 पॉइंट फेल आउट 18.5 के आसपास, चूंकि एक मैकेनिकल प्रोसेस है। हम ट्यूब में रिंग डालते हैं, मशीन के द्वारा डालते हैं, हो सकता है कि हमारी मशीन में ऐसी कोई कहीं कोई टेक्निकल चीज, हम लोग प्रयास करते हैं ऐसा ना हो, जिसके कारण रिंग कई बार कट जाती लगाने के बाद, वो भी हो सकता है। हो सकता है हमारी टेक्निक में कोई कमी आई हो, मैं मान्य करता हूँ, मतलब स्वीकार करते हैं। ऑपरेशन अगर 5 साल में मैं प्रतिवर्ष 2,000 के हिसाब से भी करता हूँ तो 10,000 ऑपरेशन हो गए, उसमें अगर 20-25 ऑपरेशन फेल हो, कौन सी बड़ी चीज हो गई? ये सच है कि शासन ने मुझे अभी वर्तमान स्थिति में कहा है कि आपके पेशेंट फेलियर हो रहे हैं तो आप थोड़ा सम्मत करिए, तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार का बिल्कुल सही निर्णय। लेकिन जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन हुए, एक भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, बताइए किसका हुआ है? एक मृत्यु कह रहे हैं, बताइए मेरी किसकी मृत्यु हुई है? क्योंकि मृत्यु जिसकी हो जाती है वो तो हाहाकार मचता है और न्यूज़पेपरों में निकलता है। बताइए, न्यूज़पेपर में निकला है, किस में निकला है जी? किसी की मृत्यु हुई, आपका वर्जन भी है? नहीं, मेरा वर्जन क्या है कि मृत्यु हुई है, नहीं आपका वर्जन ये तो नहीं है, लेकिन आपका वर्जन ये जरूर है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से रेफर ना हो। मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मैं चाहता हूँ कि अस्पताल, वो बड़ा अखबार है, छोटा अखबार नहीं है, और उसे आप भी पढ़ते होंगे और आपने पढ़ा भी होगा। ये तो आप बड़ा अखबार हो, छोटा अखबार, मीडिया के माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारी सटीक भी मिलती है, बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलती है जिससे हमको सीखने को मिलता है, लेकिन ये जानकारी पूर्णतः निराधार है कि मेरे से किसी एक महिला की मृत्यु हुई है। अच्छा, सूत्र बताते हैं कि जिस महिला की मृत्यु की बात छपी है, वो महिला का ऑपरेशन तो आपने किया था लेकिन आपसे हुआ नहीं पाया, तो उसको भोपाल रेफर कर दिया है, वो भोपाल जाकर उसकी मृत्यु हो गई। किसी महिला का मैंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन हो नहीं पाया, समझा नहीं। फेलियर हुआ होगा या आपसे बना नहीं होगा तो आपने उसको रेफर कर दिया होगा, आप रेफर कब करते हैं? LTT में रेफर की करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। LTT में रेफर करने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मतलब नहीं होगा तो मैं बता दूंगा किसको, किसी ट्यूब में सूजन है या और दूसरा कारण है, तो हम इसको नहीं करते। ये इसमें LTT का किसने कहा? कोई और भी तो ऑपरेशन करते होंगे ना आप? ये ईश्वर की मेहरबानी है, मेरे वरिष्ठों का आशीर्वाद है, मेरे अधिकारियों का वह कि सब कुछ मुझे दिया है, तो मैं अभी तक मेरे पास कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, ना कोई मृत्यु हुई, इसको नकारते हैं आप? बिल्कुल नकार। अगर मृत्यु होती तो कोई इसका कुछ रहता है ऐसा?
LTT में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसको 2,00,000 रुपए कंपनसेशन का प्रावधान है और वो व्यक्ति लेता है। अभी कुछ कोई तो मृत्यु हुई होगी अस्पताल में किसी डॉक्टर के द्वारा? हाँ, हमारे यहाँ पिछले 2 प्रकरण हैं, 2 हमारे चिकित्सक हैं इनके द्वारा हुई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, हमारे 2 चिकित्सक हैं, उनके नाम तो मैं किसी को नहीं बताऊँगा, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं। आपने हर आरोप को नकार दिया है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक दास ने आपको LTT ऑपरेशन पर रोक क्यों लगा दी है फिर आपके? ये तो मैंने कहा ना, ये हमारे विभाग का नियम है, हमारे अधिकारी देखते हैं कि किन के द्वारा जो ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें फेलियर रेट ज्यादा है, निश्चित तौर पर सरकार का नुकसान होता है। मैं इसको मान्य करता हूँ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि हमारे अधिकारियों ने जो निर्णय लिया है सही लिया है, यदि उनकी जगह कोई और अधिकारी होता तो वो भी निर्णय लेता। आप इतने अच्छे सर्जन हैं, इतने ऑपरेशन आपने फेल किए और आप बड़े खुशी खुशी उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये ऑपरेशन पिछले 5 वर्षों के हैं, किसी 1 साल का नहीं है, और यदि हमारी सरकार के द्वारा, हमारे अधिकारियों के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है मैं उसको मान्य करूंगा, क्यों मेरा अधिकारी। मतलब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आप एक अच्छे सर्जन नहीं हैं। यदि मेरे अधिकारी मुझे नहीं मानते तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि LTT आपके फेलियर ज्यादा है, अगर बाकी है तो। ऐसा तो नहीं कि आपको तो खुशी हो रही है कि चलो अच्छा वहां से पीछा छूटा तो CMHO पद पर बढ़िया आराम से बैठेंगे यहाँ पे? मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं एक सामान्य जनरल सर्जन हूँ, एक चिकित्सक हूँ, मेरा पेशा चिकित्सा करना है, शासन प्रशासन जो कहेगा, जो मुझे दायित्व तो देगा मैं उसका निर्वहन करूंगा, खुशी से करूंगा। आप में ऐसी क्या खूबी कि आपको प्रभारी बना के यहाँ डटा दिया गया है? कोई ना कोई तो प्रभारी बनता, क्योंकि अभी परमानेंट हमारे यहाँ प्रमोशन नहीं हुए हैं, अब प्रमोशन की बारी चल रही है, शायद हमारे अधिकारियों ने भी सूची तैयार की है, हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए। सभी जितने भी प्रदेश में सब प्रभारी हैं मेरे जैसे ही लोग। यहाँ एक ही सर्जन है जी अस्पताल में और वो भी CMHO है, तो फिर क्या स्थिति बनती है यहाँ पे? सर्जन एक नई टीम है सर्जन जी। कौन कौन है? डॉक्टर दिनेश खत्री साहब तो जनरल सर्जन है, ऑर्थोपेडिक्स में 2 सर्जन है, तो टोटल 3 सर्जन हो गए हैं। तो अब एक CMHO को पद संभाले हुए हैं, फिर यहाँ कैसे काम होता होगा उनको? जब भी वहाँ से समय मिलेगा, बाकी एक्स्ट्रा टाइम होगा वो यहाँ दे देते हैं अस्पताल में। आप सीनियर हैं जी, तो आपके उनसे सीनियर है क्या, उनसे जूनियर हैं? सीनियर जी, सीनियर है वो, मैं सीनियर हूँ उनसे। तो CMHO आपको होना था कि उनको होना था? अब ऐसा कहीं कोई नियम कानून नहीं है किसको CMHO, शासन का आदेश है जो बन जाए। वो सिविल सर्जन बनने के लिए? सिविल सर्जन साहब है हमारे अनिल रोड साहब, वो आपसे सीनियर हैं क्या? हाँ, हमसे। अच्छा अच्छा, वो शर्मा जी हमसे सीनियर, अनिल साहब से सीनियर। अच्छा अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये है कि एक ही सर्जन है और वो अस्पताल में समय नहीं दे पाते हैं, तो उस समय परेशानी तो होती होगी। परेशानी तो हर किसी को होती है, पर उनको जितना समय मिलता है उतना टाइम तो दे रहे हैं। खतरी पे बैन क्यों लगा दिया गया है? ये क्यों लगा दिया गया है, ये तो NHM से शायद आदेश आया, तो वो मुझे आ गई। उनके द्वारा ऑपरेशन ज्यादा फेल हो रहे थे क्या? LTT का मामला था शायद जी। तो अब कौन करेगा फिर उनकी अनुपस्थिति में? डॉक्टर दीपक गुप्ता करते हैं जी। डॉक्टर दीपक गुप्ता तो एक प्राइवेट अस्पताल में अपनी सेवाएं देते हैं, ये मुझे आइडिया नहीं है। मेरे अस्पताल में यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो अपना पूरा काम करते हैं। नहीं, आपको आइडिया नहीं है, आप बताना नहीं चाहते। वो एक प्राइवेट अस्पताल में भी सेवाएं देते हैं। प्राइवेट का नहीं मालूम, बाकी जितने डॉक्टर हैं सारे अपने ड्यूटी टाइम के अलावा प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा,